हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जी हाँ दोस्तों, मैं अंकुर लांबा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ बिजनेस आइडिया से रिलेटेड एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप मात्र 5,000 रुपए के अंदर शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मात्र 5,000 रुपए के अंदर अंदर आप इन बिजनेस को शुरू कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडियाज है जिनको आप अपने घर पर लगाकर घर से ही शुरू कर सकते हो। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं बात करता हूँ सबसे पहले बिजनेस की। इस लिस्ट में पहला बिजनेस आइडिया है कोचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हो या किसी भी विषय के ऊपर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हो। दूसरे बिजनेस आइडियाज का नाम है हस्त निर्मित सामान, यानी आप कोई भी हाथ से बना सामान जैसे कि इस आभूषण, साबुन, मोमबत्ती और मिट्टी से बने बर्तन और बहुत सारे आइटम बनाकर बेच सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इन सामानों को बेच सकते हो और ये भी अच्छा खासा बिजनेस है। गाँव में और शहर में दोनों जगह बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है। हाथ से बने आइटम की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है इंडिया में। नंबर 3 पर है टिफिन सर्विस। जी हाँ दोस्तों, आप टिफिन सर्विस या खाना बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो और लोगों को खाना देकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रचार कर सकते हो, अपने नाम के पैम्पलेट छपवा कर सब जगह अपने एरिया में बांट सकते हो। जिसको जिन जिन लोगों को टिफिन की जरूरत होगी वो आपको कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे। वहां पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो जहाँ पर आप अपने खाने की डिटेल भी शेयर कर सकते हो। चौथा बिजनेस आइडियाज है इत्र बनाना, यानी परफ्यूम बनाना। यहाँ दोस्तों, आप मात्र 5,000 रुपए के अंदर परफ्यूम बनाने का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो जिसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बेच सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आपको इसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे आपको इसकी सेल करनी है। पांचवे बिजनेस आइडियाज थोड़ा यूनिक है, जैसे कि पालतू जानवरों को देखभाल। आप सभी लोग जानते, बड़े बड़े शहरों में लोगों के पास टाइम नहीं होता अपने पेट, अपने पालतू जानवरों का ध्यान रखने के लिए, तो आप उसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आप बंदे हायर करके पालतू जानवरों का भी ख्याल रख सकते हो। छठा बिजनेस है होम क्लीनिंग बिजनेस। जैसे कि दोस्तों अर्बन क्लैब कंपनी होम सर्विस की सुविधाएं देती है, ऐसे आप होम क्लीनिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आप बंदे हायर करके होम क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं सभी घरों में, शहरों में इसकी अच्छी खासी डिमांड है और अच्छा खासा आप बीच में कमीशन कमा सकते हो। सातवां बिजनेस है बागवानी सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे शहरों में लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है और इसी टाइम ना होने को आप अपने एक बिजनेस आइडिया बना सकते हो। जिन लोगों के पास पेड़ पौधे होते हैं, बागवानी होती है, आप उसका काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, उनकी सर्विस दे सकते हो, पेड़ बेच सकते हो या पेड़ की कटिंग करना या सब कुछ जो भी मतलब पेड़ से रिलेटेड होता है, पौधों से रिलेटेड होता है, वो काम आप कर सकते हो। आठवां बिजनेस है फ्रीलांस सर्विस या कंटेंट राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में आप सभी लोग जानते होंगे यूट्यूब पर भी बहुत सारे कंटेंट बन रहे हैं और बहुत सारी वीडियो अच्छी अच्छी बन रही है, तो आप कंटेंट राइटिंग का काम करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और लास्ट है होम स्टेशनरी। जी हाँ दोस्तों, आप स्टेशनरी की दुकान खोलकर भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। आज के टाइम में इन सामानों की भी बहुत जरूरत है और साथ में स्टेशनरी के आप गिफ्ट आइटम स्टोर भी खोल सकते हो जिससे आपकी कमाई दुगनी हो जाएगी। दोस्तों इन सभी बिजनेस को आप सबसे पहले रिसर्च करें इंटरनेट पर, इनके बारे में जाने खोजे करें, अपने जो बाजार है, जो मार्केट है, उनमें रिसर्च करें। उसी के बाद कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप शुरू करें। रिसर्च करना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो बिजनेस है वो सफल हो पाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और साथ में जो घंटी का बटन देगा उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां जहां भी आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे वहां वहां मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत है, हमें सपोर्ट करना ना भूले। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।